हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आप SSL सर्टिफिकेट फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉग वेबसाइट होगा तो आपको पता होगा कि ब्लॉग वेबसाइट को रैंक कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गूगल प्रिफ्रेंस करता है उसी वेबसाइट को जिसमें HTTPS लगा होता है और जिसमें HTTP लगा होता है उसको कम प्रिफ्रेंस देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी ब्लॉग वेबसाइट के लिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा फ्री में कैसे आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में लगा सकते हैं। अगर आपका ब्लॉगर पर वेबसाइट है और कस्टम डोमेन नेम लगाए हैं बिल्कुल एक क्लिक से आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आप जान लीजिए HTTPS होता क्या है। देखिए फ्रेंड, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जैसे कि यहाँ पे देखिए YouTube है, YouTube का URL है, तो यहाँ पे देखिए सिक्योर लिखा है, आप देख सकते हैं। तो उसी तरह आपकी भी वेबसाइट जो होगी तो यहाँ पे सिक्योर लिखेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ही ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए अभी सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी जो ओपन हो रहा है ये देखिए सिक्योर लिख रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं और बताऊंगा कि आप इसको रैंक करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे ही आप ब्लॉगिंग संबंधी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट में HTTPS नहीं ऑन है, अगर आप कहीं से खरीदेंगे तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। आपको बता दूं फ्रेंड, कम से कम अगर नॉर्मल प्लान की बात करूँ 3 से 4 हज़ार रुपये मिलेगा 1 साल के लिए। और ये डाटा को सिक्योर रखता है, आपके फाइल को सिक्योर रखता है। तो ब्लॉगर में एक सुविधा है, अगर आपको पता होगा ब्लॉगर के फ्री होस्टिंग है, वैसे ही आपको ये भी आपको फ्री में दे रहा है कि HTTPS को आप इनेबल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको आना होगा ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने के बाद से फ्रेंड यहाँ पे देखिए सेटिंग पे क्लिक करेंगे, बेसिक सेटिंग आएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे HTTPS अबिलिटी यहाँ पे यस कर दें और यहाँ पे रिडायरेक्ट, इसको भी यस करके आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर देना। सेव करने के कुछ देर बाद जो है कि आपका HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट पे HTTPS शो होने लगेगा। उसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल यानी कि गूगल वेब मास्टर टूल में पहले से वेरीफाई है तो जब आप HTTPS ऑन कर देंगे तो फिर आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना होगा। इससे रैंकिंग खराब हो जाएगी और आपका डाटा नहीं शो होगा। यहाँ पे देखिए HTTPS हो जाएगा ना, तो आपको ऑन करना होगा और ये वेबसाइट आपकी सिक्योर हो जाएगी। और यूजर जब यहाँ पे ग्रीन कलर का बन जाता है और सिक्योर हो जाता है, यूजर काफ़ी जो है कि इसको पसंद करते हैं वेबसाइट को भी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से एक क्लिक से यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।